नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संचनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती निकली है, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल 19 जिलों में वैकेंसी निकली है। तो आज उसी के संबंध में आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं संचनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जो कि मध्य प्रदेश के टोटल 19 जिलों में वैकेंसी निकली है, तो उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संचनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन 4/9/2024 को जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान के अनुसार विधि का उल्लेखन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के अनुसार जरूरतमंद बालकों के प्राकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, इसके आधार पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यह वैकेंसी निकलने वाली है। ये देखिए, प्रत्येक जिले में किशोर न्याय एवं बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है, जिसका प्रावधान रहा गया है। किशोर न्याय एवं बाल कल्याण समिति वर्तमान रिक्तियों हेतु निम्नानुसार जिलों में के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। पहला आपको संभाग वाइज देखने को मिल जाएगा कि पहला आपको भोपाल में दिया गया है। ठीक है, भोपाल संभाग के अंतर्गत कितने जिले में है, टोटल 4 जिलों में। जिले का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, पहला भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड में कितनी रिक्तियां हैं, एक सीहोर में है एक पद और राजगढ़ में दो पद है, जिसमें से एक महिला के लिए पद है। बाल कल्याण समिति में आपको एक पद देखने को मिल जाएगा और रायसेन में 3 पद देखने को मिल जाएगा और राजगढ़ में 4 पद देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं ग्वालियर संभाग के, तो ग्वालियर संभाग में केवल एक जिला है जो की है वो शिवपुरी, और जिसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा, किसका, किशोर न्याय बोर्ड का। दूसरा इंदौर संभाग की बात कर ले, जिसमें आपको बड़वानी देखने को मिल जाएगा, खरगोन देखने को मिल जाएगा और पद की संख्या यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें अध्यक्ष सदस्य समिति के अध्यक्ष सदस्य भी बन सकते हैं, उसके साथ साथ आप समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी समिति, नई समिति बनाई जा रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जबलपुर संभाग में, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कटनी, मंडला, डिंडोरी, इसमें पद की संख्या देख सकते हैं। उसके बाद नर्मदापुरम संभाग आ जाएगा, तो नर्मदापुरम में एक नर्मदापुरम खुद है और दूसरा है हरदा, जिसमें 5 पद है, अध्यक्ष का है एक पद और 4 सदस्य जिसमें से एक महिला है, 2 पद जिसमें से एक महिला है। रीवा संभाग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें एक पद आपको देखने को मिल जाएगा सीधी जिले में, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा सिंगरौली जिले में। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सागर संभाग की बात आ जाती है दोस्तों, तो सागर संभाग में आपको देखने को मिल जाएगा, एक तो सागर जिला है, दूसरा छतरपुर है और तीसरा दमोह है। भी दूसरा बात कर लेते हैं शहडोल संभाग की, तो शहडोल संभाग में एक अनूपपुर है और फिर उज्जैन संभाग में एक देवास है। तो दोस्तों, किशोर न्याय बोर्ड कल्याण समिति के पद हेतु अर्हता क्या क्या, आपको इसके क्या क्या आपको अहर्ताएं होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 63 वर्ष, अधिक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अहर्ताएं, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु एक ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यालयों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या जो बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या समाज विज्ञान या निधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसाय किया हो। दूसरा इसमें हो जाएगा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्यों की अहर्ता, अगर आप अध्यक्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या जो है वो आपको देखने पड़ेगी। तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष और सदस्य हेतु क्या क्या पात्रता रहेगी, बाल कल्याण समिति का सदस्य अध्यक्ष तो अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास
बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सा या कानून, सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधि से 7 वर्ष में से सक्रिय रूप से शामिल हो, ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकते। आप आवेदन कहाँ करना है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग विजय राजे वात्सल्य भवन 28 ए अरेरा हिल्स भोपाल पिन कोड 46211 में कार्यालय समय में दिनांक 29 सितंबर 2023 तक जमा करवाना अथवा पंजीकृत डाक कोरियर स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जा सकते हैं। या तो आप खुद से जाकर आवेदन अपना दे सकते हैं या फिर आप कुरियर के सहायता से या डाक विभाग के सहायता से आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जिस के लिए अभी आवेदन करना उसको आवेदन पत्र का नाम लिखकर भेज दीजिए, हम आपको आवेदन फॉर्म दे देंगे, फॉर्मेट दे देंगे जिसे आप भरकर आवेदन कर सकते हैं और आपको एड्रेस हमने बता ही दिया है कहां पर आपको एड्रेस करना है। तो चलिए मिलेंगे अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टोटल 19 जिलों में वैकेंसी निकल ली है, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट कोई आती है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। तो वीडियो को शेयर करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।